तो नमस्कार, मैं डीजे अमर जी, एक नए वीडियो में फिर आपका स्वागत है। तो इस समय मैं एक्सपो में हूँ, मगर मैं एक एक स्पीकर का आपको वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो मैं अभी बात करता हूँ आपको, जैसे मैं इस समय पिंजा आइडियो 12 वाट का स्पीकर होने वाला है, और ये देख सकते हैं ये 8 आउंस का है, और इसका मॉडल नंबर है LF15R100R। फिलहाल मेरा इसका वीडियो पहले भी मैंने बनाया था, और उसको मैंने क्या था इमेज में दिखाया था, और मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये स्पीकर कैसा है, इसकी क्या क्वालिटी है, और ये कितने रुपए का आने वाला है। तो इसे बताने वाला हूँ कि ये किसमें यूज होने वाला है, किस लेवल का ये यूज होगा, काफ़ी सारी आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहता हूँ मैं कि ये स्पीकर है पिंजा, और ये 12 वाट का होने वाला है, बेस और आवाज़ के लिए काफ़ी बेस्ट स्पीकर होने वाला है। और इसकी अगर हम बात करेंगे मैग्नेट की, तो मैग्नेट आप देख सकते हैं इसका, और मैग्नेट की क्वालिटी देख सकते हैं। अगर इसके मैं एयर की देख बात कर सकते हैं, यहाँ से एयर का भी सिस्टम आप देख सकते हैं। और इसकी अब हम बात करेंगे यहाँ पास से, तो एक कलरफुल होने वाला है। और इसकी वायर की बात करते हैं, तो इसका काफ़ी वायर भी अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी आती है वायर यहाँ से कट जाता है, और जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसकी वायर की भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, और वायर के जो है जहाँ पास से पर्दे के साथ यहाँ पास देख सकते हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी सारा यहाँ पर लगाया गया है ताकि जिससे वायर ना कटे। दोस्तों इसके हम पर्दे की और कॉइन की बात करते हैं, तो ये 3 लेस में होने वाला है, आप जैसे देख सकते हैं। टोटल इम्पोर्टेड कोई भी पिंजा का ब्रांड होता है वो इम्पोर्टेड होता है। और इसकी पर्दे की बात करता हूँ, तो मैं आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं पर्दे के हिसाब से भी, तो काफ़ी अच्छा इसकी है। और यहाँ पास से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो होने वाला है पिंजा आइडियो का, आप लोग देखिए पिंजा आइडियो के यहाँ पर एक्शन होने वाला है, और यहाँ पर पर्दे क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब रीजन यहाँ पर फंस जाता है दोस्तों कि काफ़ी सारा मेरे पास व्हाट्सअप आता है, तो यहाँ पर लोकल भी मिलता है मार्केट में, काफ़ी लोगों ने मार्केट से स्पीकर मंगाए हैं ऑनलाइन देख के, उनको कुछ लोकल भी मिला हुआ है, मेरे पास इमेज भी आई है। तो मुझे लगा कि आपको वीडियो में ओरिजिनल देखने को मिल जाएगा। तो ओरिजिनल का सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी जो फिनिशिंग होती है, दूर से पता चल जाता है कि इसकी फिनिशिंग कैसी है, क्योंकि कोई भी बैक ग्राउंड होता है और वो अपनी एक कलर छोड़ के जाता है कि हाँ, अगर पर्दे से लेके यहाँ के अगर साइड से लेके इसकी प्रिंट से लेके क्वालिटी से लेके काफ़ी बेस्ट होने वाली है। और इसके अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं, तो यहाँ पास आप दोस्तों अगर यहाँ की मैग्नेट की बात करते हैं, तो मैग्नेट की भी क्वालिटी दूर से समझ में आ जाती है, इसका साइड से ग्लू की भी पहचान मिल जाती है कि ये ओरिजिनल है कि लोकल है, क्योंकि फिनिशिंग ही बता देती है कि हाँ मैं कैसा हूँ। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किसकी चीज़ें यूज होने वाली है। अगर एक आप टॉप में एक हाई क्वालिटी का भी बेस निकालना चाहते हैं वॉइस के साथ, तो आप 12 वाट में जा सकते हैं, और ये काफ़ी बेस उद्योग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पीकर माना जाता है। वीडियो में प्राइस बताता हूँ, पहले कंफर्म बताता था मैं, मगर रीज़न आपको नहीं बताता, इसकी एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारे काफ़ी सारे डीलर होते हैं, कोई डीलर दूर का हुआ, अब वो माल बेचेगा उसके खर्च बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं एक बीच बताता हूँ। ये स्पीकर आपको 12 वाट का 8,000 और 10,000 के बीच में मिल जाना है दोस्तों। अब ये बात फंसती है कि आप कहाँ से हैं, उस हिसाब से इसकी प्राइस होती है, क्योंकि जितना दूर का मामला होता है वो खर्च बहुत काफ़ी सारे आते हैं, तो जिससे क्या होता है वह स्पीकर महंगा हो जाता है। और जैसे आपको बता दूं मैं कि ऑलरेडी मैं कानपुर के रहने वाला हूं, और कितना भी आप स्पीकर ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, तो फिलहाल हमारे नंबर डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा, जिससे क्या होगा काफ़ी सारे आपको इसकी और भी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और फिर एक नया वीडियो मिलता हूँ, जब तक बने रहिए। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत जल्दी मिलता हूँ दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।